रात को सोने से पहले 5 मिनट की तस्बीह पढ़कर सोने से घर से तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है, मुश्किलें परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। फरिश्ते उस घर में बेशुमार रिज़क लेकर आते हैं और बड़ी से बड़ी हाजत पूरी करके चले जाते हैं। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा हम आप हजरात को बताने जा रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के एक इस्मे आज़म का वजीफ़ा है। इसको पढ़ने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम बयान भी नहीं कर सकते और आप हजरात शुमार भी नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, इसको पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनमें से 5 बड़े फ़ायदे हम आप हजरात को बताने वाले हैं। कोई भी शख्स इस वजीफ़े को कर सकता है, मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, लेकिन नापाकी में नहीं कर सकते। अगर आप पाक हैं, बावजू हैं, तो ही आप इस अमल को कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आपको शाम को सोते वक्त पढ़ना है। अगर आप हजरात सोते वक्त ये इसमें आज़म पढ़ लेते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो भी शख्स इस वजीफ़े को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी तकदीर बदल देता है। नाज़रीन किराम, ये काफ़ी लोगों का आजमाया हुआ वजीफ़ा है। जिसने भी इसको पढ़ा है, उसकी किस्मत बदल गई है, उसकी तकदीर तब्दील हो गई है। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खाना खिलाऊं, और तुम सब मुझसे खाना मांगो ताकि मैं तुम्हें खिलाऊं, और ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं पहना दूं, और तुम सब मुझसे लिबास तलब किया करो। और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम्हारे पहले और तुम्हारे पिछले, यानी कि दुनिया बनने से लेकर जितने भी जिन्नात और इंसान इस दुनिया में आ चुके हैं और जितने भी आने वाले हैं, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि वो सारे के सारे एक मैदान में जमा हो जाएं और वो सब मिलकर मुझसे अपनी ख्वाहिश तलब करें, अपनी मुरादें मांगें, अपनी हाजतों को मांगें, और मैं सबको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अदा करता जाऊँ, उनको सबको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मैं अता कर दूं, फिर भी अल्लाह तबारक व ताला के ख़ज़ाने में इतनी भी कमी नहीं होगी जितना एक सुई को समंदर में डुबाने से समंदर का पानी कम हो जाता है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व ताला के बहुत बड़े बड़े ख़ज़ाने हैं और वो तमाम ख़ज़ानों का मालिक है। वो जिसको जब चाहें, जितना चाहें नवाज देता है। प्यारे दोस्तों, इसको पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला अपने ख़ज़ानों से आपको ख़ज़ाने अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, इसको पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनमें से हम 5 फ़ायदे आप हजरात को बताते हैं। नाज़रीन किराम, इसको पढ़ने का पहला फ़ायदा ये है, अगर किसी बंदे का कारोबार बंद हो गया हो, चाहे रुकावट की वजह से बंद हो गया हो, या उसको नज़रे बद लग गई हो, या कोई बंदिश वगैरह उसमें आ गई हो, किसी भी वजह से अगर किसी का कारोबार बंद हो गया हो, तो वो शख्स सोने से पहले हाथ की उंगलियों पर ये कलिमात पढ़कर सो जाए, ये इसमें आज़म पढ़कर सो जाए, सुबह को जब उठेगा तो उसको खुशखबरी मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला उसके कारोबार से बंदिशों को ख़त्म फरमाएगा, रुकावटों को ख़त्म फरमाएगा, और उसका कारोबार बुलंद तरीके से चलने लगेगा। और नाज़रीन किराम, इसको पढ़ने का दूसरा फ़ायदा ये है, अगर किसी शख्स के घर में काम करने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी, पैसा कमाने के बावजूद भी घर में बरकत ना होती हो, पैसों का पता ना चलता हो कि कहाँ जाते हैं, हमेशा बेबरकती लगी रहती हो, तो वो शख्स भी इसको शाम को सोते वक्त, रात को पढ़कर सो जाए, सुबह तक इंशाअल्लाह तबारक व ताला उसे मकसद में कामयाबी मिलेगी, उसके घर से बेबरकती ख़त्म होगी और उसके रिज़्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन किराम, इसको पढ़ने का तीसरा फ़ायदा ये है, अगर किसी शख्स पर काला जादू हो गया हो, या किसी भी तरीके का जादू या आसेब का असर
असर हो या उसके घर में जिन्नाती वगैरह का असर हो तो वो शख्स भी शाम को इस वजीफे को पढ़ा करे। जब वो शाम को पढ़कर सोएगा तो उसके घर से हर तरीके का जादू ख़त्म हो जाएगा। हर तरीके का चाहे काला जादू हो या आसेब का असर हो या जिन्नात का असर हो, कितना भी पुराना जादू हो, कितना भी कैसा भी जादू हो, इसकी बरकत से जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा अल्लाह तबारक व ताला का जलाली इसमें आज़म है। और नाज़रीन किराम, इसको पढ़ने का चौथा फ़ायदा ये है, अगर किसी शख्स के ज़माने में दुश्मन हो, कोई ना कोई उसको नुकसान पहुँचाना चाहता हो, उसके पीछे पड़ा रहता हो, तो वो शख्स भी इसको शाम को सोते वक्त पढ़ा करे। दुश्मन दुश्मनी से बाज आ जाएंगे और दुश्मनों के दिल से उसके लिए नफरत ख़त्म हो जाएगी और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों, इसका पांचवा बड़ा फ़ायदा ये है, जो लोग अपने काम में कामयाब नहीं होते, जो काम करते हैं वो उनका काम अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं होता, उनकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं रहतीं, हमेशा अधूरी ख्वाहिशें रहती हैं, वो दुआ करते हैं तो दुआ कबूल नहीं होती, उनकी कोई हाजत पूरी नहीं होती, तो वो लोग भी इस वजीफे को करें। अल्लाह तबारक व ताला का ये जलाली इसमें आज़म है, इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह तबारक व ताला वो हर काम में कामयाब होंगे, वो जो भी काम करेंगे वो काम पूरा होगा, हर हाजत पूरी होगी, बिगड़े काम बन जाएंगे और अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, अब हम आप हजरात को तरीका बताते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तरीका ये है कि जब आप तमाम कामों से फारिग हो जाएं और सोने के लिए तैयार हो जाएं, जब आप अपने बिस्तर पर पहुंच जाएं, प्यारे दोस्तों एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप जब बिस्तर पर सोने जाएँ तो बावजू होकर जाएँ। अगर आपका वज़ू पहले से दुरुस्त हो तो फिर आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका वज़ू दुरुस्त ना हो तो पहले आप वज़ू कर लें और बावज़ू होकर अपने बिस्तर पर बैठ जाएं। अब आप चाहें तो ये वजीफ़ा बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हैं और आप चाहें ये वजीफ़ा बिस्तर पर लेटकर भी कर सकते हैं। करना आपको ये है कि आपको अपने बिस्तर पर बैठकर या लेटकर सबसे पहले 7 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़नी है, या इसके अलावा आप कोई छोटी दरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 100 मरतबा आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको 140 मरतबा अल्लाह तबारक व ताला का ये इसमें आज़म पढ़ना है, या कहारु या कहारु या कहारु। नाज़रीन किराम, ये अल्लाह तबारक व ताला का जलाली नाम है, इसको पढ़ने के बाद बंदा जो भी तलब करता है उसको मिल जाता है। तो 140 मरतबा पढ़ने के बाद आपको आखिर में फिर 7 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। पढ़ने के बाद आपको हाथ उठाना है और बारगाह परवरदिगार में दुआ करना है। प्यारे दोस्तों, इसमें आज़म को पढ़कर आप जो भी दुआ करेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी। आपको पढ़ने के बाद दुआ करने के बाद चुपचाप सो जाना है। नाज़रीन किराम, जब आप ये वजीफ़ा पढ़कर सोएंगे तो सुबह तक आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। आप जिस भी मकसद के लिए करेंगे आपको उस मकसद में कामयाबी हासिल होगी, सुबह तक आपको इसका असर दिखने को मिल जाएगा। नाज़रीन किराम, ये बहुत ही बाबरकत वजीफ़ा है। इस वजीफे को आप तब तक जारी रखें, तब तक पढ़ते रहें जब तक आपका वो मकसद पूरा ना हो जाए जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा किया है। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को आप भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सवाब के मुस्तहिक बनें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें, चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।